रहीम, यहां से आज शुरू करते हैं हम। द कोरिलेशन कोफिशियंट विच वी शैल स्टडी इन डिटेल इन चैप्टर थ्री। अभी हम चैप्टर वन पढ़ रहे हैं, चैप्टर थ्री में डिटेल जाएंगे हम, कोरिलेशन कोफिशियंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक सरसरी सा एक जायजा लिया जाएगा कोरिलेशन कोफिशियंट के बारे में। मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, वी मे बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। देखें, ये दोनों वाइस वर्सा हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि लंग कैंसर और स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग बढ़ाएंगे तो देखें वो लंग कैंसर बनता जाता है ना, तो चांसेस यहाँ एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। स्मोकिंग नहीं है तो वो लंग कैंसर नहीं है, तो इसमें एक एसोसिएशन पाई जा रही है। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन हैव सम फंडामेंटल डिफरेंसेस दैट आर वर्थ मेंशनिंग इन रिग्रेशन एनालिसिस। देयर इज एन असिमेट्री, सिमेट्री का उलट होता है कि सिमेट्री नहीं है इन द वे द डिपेंडेंट एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर रिलेटेड। रिग्रेशन में डिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स वो रिलेटेड होते हैं, यानी इसमें रिग्रेशन में जरूरी है एक डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना और एक इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अस्यूम्ड टू बी स्टेटिस्टिकल रेंडम आर स्टोकास्टिक। ये बात बहुत अहम है कि रिग्रेशन के अंदर जो वाई वेरिएबल होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो रेंडम है, या दूसरे लफ्जों में वो स्टोकास्टिक है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो फिक्स्ड होगा। देखें, ये जो है ना आपका वाई जिसको कह दें या डिपेंडेंट वेरिएबल कह लें, ये रेंडम है, ठीक है, और ये जो एक्स होगा जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, ये फिक्स्ड होता है, ये रेंडम नहीं होता। ये देखिएगा, आगे रीड करते हैं उसको। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अस्यूम टू बी स्टेटिस्टिकल रेंडम आर स्टोकास्टिक, दैट इज टू हैव अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वाई की एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वाई एक स्टोकास्टिक है, डिपेंडेंट वेरिएबल स्टोकास्टिक है, तो उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी। आगे देखिए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के बारे में। द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ऑन द अदर हैंड आर अस्यूम टू हैव फिक्स्ड वैल्यूज इन रिपीटेड सैंपलिंग। यानी रिपीटेड सैंपलिंग का मतलब एक ही वैल्यू के ऊपर बार बार हम रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं, तो एक सिंगल वैल्यू के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आ रहा होता है, बार बार आ रहा होता है, सो रिपीटेड मेजर, रिपीटेड सैंपलिंग है। Which was made explicit in definition of regression given in section 1.2. Thus, the figure 1.2, we assume that the variable h was fixed at different levels and height measurements were obtained at these levels in correlation analysis. इसमें figure अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इसमें कुछ terminology जरा सीखें कि जो dependent variable है इसके different names होते हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहा जाता है, जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। प्रिडिक्टेड वेरिएबल्स भी, ये प्रिडिक्टेंट, प्रिडिक्टेंड, ठीक है, वेरिएबल भी कहते हैं। रिग्रेसेंड जो इसका है इंडिपेंडेंट, रिग्रेसर जो प्रिडिक्टर, प्रिडिक्टेंड, ये मैंने प्ले कर लिया। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंट नेम्स हैं, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल या इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सर ये वाला होगा आपका, हाँ, ये जो वाई है ना, वाई इक्वल्स टू, तो वाई डिपेंडेंट है, दूसरा इंडिपेंडेंट है, जो आगे जिसके साथ रिग्रेशन कोफिशिएंट लगा होगा वो इंडिपेंडेंट। तो उसके डिफरेंट नेम्स हैं यहाँ, ठीक है, तो एक्सप्लेन्ड इंडिपेंडेंट, प्रिडिक्टेंड प्रिडिक्टर, रिग्रेसेंड रिग्रेसर, रिस्पॉन्स भी कहते हैं इसको, वाई को रिस्पॉन्स, तो स्टिमुलस,
हाँ एंडोजीनियस एक्सोजीनियस आउटकम, ठीक है, और को वेरिएट कंट्रोल्ड वेरिएबल, कंट्रोल्ड और कंट्रोल वेरिएबल, जो कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोल वेरिएबल, जो कंट्रोल्ड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। इफ वी आर स्टडिंग द डिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल ऑन ओनली अ सिंगल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल सच एज दैट एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन रियल इनकम, सच अ स्टडी इज नोन एज सिंपल आर टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट हो तो उसको हम सिंपल रिग्रेशन कह देते हैं, ठीक है या हम उसको टू वेरिएबल यानी सर, एक्स और वाई दो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। वेरिएबल भी दो हो सकते हैं। हाँ नहीं, यहाँ अभी जो हमने रिग्रेशन पढ़ना है ना, डिपेंडेंट एक ही होगा, ठीक है इंडिपेंडेंट दो हाँ होंगे इंडिपेंडेंट ज्यादा हो सकते हैं, जब इंडिपेंडेंट एक है तो सिंपल, वरना मल्टीपल का वर्ड यूज करेगा, ठीक है। तो उसकी एक टर्मिनोलॉजी सिखा रहा है पहले चैप्टर में कि उसको सिंपल कहा जाएगा अगर आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो। फिर आगे फर्दर देखें तो इसके एग्जांपल दे दी उसने, इट इज नोन एज मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। उसकी पीछे से हम उसकी एग्जांपल देखते हैं क्या कहा है इसने। हाँ जी, रिग्रेशन एनालिसिस यहाँ देखें, इट इज नोन एज अ मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, इन अदर वर्ड्स इन टू वेरिएबल्स रिग्रेशन देयर इज ओनली वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, वेयर एज मल्टीपल रिग्रेशन देयर इज मोर देन वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। बात समझे, एक्सप्लेनेटरी एक से ज्यादा होंगे और वो मल्टीपल रिग्रेशन होगी। द टर्म रैंडम इज सिनोनिम फॉर द टर्म स्टोकास्टिक, एक ही बात, स्टोकास्टिक कह दें या उसको रैंडम रैंडम कह दें, एज नोटेड अर्लियर अनलेस स्टेटेड अदरवाइज द लेटर वाई विल डिनोट डिपेंडेंट वेरिएबल। कह रहा है कि इस बुक में हमने जो वाई वेरिएबल लेना है ना वो डिपेंडेंट लेना है, अदरवाइज हम एक्सप्लेन कर देंगे, अगर इसके अलावा वाई को कोई डिक्लेयर करना हुआ तो बता देंगे साथ, वरना आप यही समझेंगे इस बुक के अंदर जो वाई वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जितने एक्स या एक्स वेरिएबल्स आएंगे वो एज अ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होंगे या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो एक्स के से मुराद है केथ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, अगर एक्स वन होता होगा तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट फर्स्ट वेरिएबल या ठीक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। द सबस्क्रिप्ट आई आर टी विल डिनोट द आईथ आर टीथ, यानी वो सबस्क्रिप्ट में होता है, समझते ना सबस्क्रिप्ट को, ये सबस्क्रिप्ट ये प्लेस होती है, तो अगर हम उसकी पावर लेंगे तो वो सुपर स्क्रिप्ट होता है, यदि एक्स केयर लिखे तो वो सुपर स्क्रिप्ट में आ रहा होता है, तो ये सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन द ऑब्जर्वेशन सबस्क्रिप्ट आई विल बी यूज्ड फॉर क्रॉस सेक्शनल डेटा। जो दो तरह के डाटा होते हैं, डाटा आर ऑफ टू टाइप्स, आगे हम इसको पढ़ने भी लगे हैं। अगर तो टाइम के हिसाब से डाटा लिया जा रहा है, मतलब टेम्परेचर ले रहे हैं आप, तो सुबह का और है, दोपहर का और है, शाम का और है, रात का और है, तो टाइम के हिसाब से अगर हम लेते जा रहे हैं डाटा तो वो टाइम सीरीज डाटा कहलाएगा, और अगर किसी एक ही टाइम में अगर आप लेते हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल डाटा कहलाता है। तो इसी को अभी एक्सप्लेन होने लगा, ये दोनों टर्म्स टाइप टाइप्स ऑफ डाटा। थ्री टाइप्स ऑफ डाटा मे बी अवेलेबल फॉर इंपीरिकल एनालिसिस, टाइम सीरीज क्रॉस सेक्शनल एंड पूल्ड, पूल्ड का मिक्स होगा, क्रॉस सेक्शनल भी होगा और वो कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डाटा। तो बेसिकली दो हो गए ना, एक आपका क्रॉस सेक्शनल डाटा है, एक टाइम सीरीज डाटा है, पोर्ड उन दोनों का इकट्ठा कर लिया गया है। टाइम सीरीज डेटा द डेटा शोन इन टेबल 1.1, फर्दर हम देखते हैं कि टेबल 1.1 में इसको दिखाया गया है टाइम सीरीज डेटा को। ऑफ द इंट्रोडक्शन आर एन एग्जांपल ऑफ टाइम सीरीज डेटा, अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन द वैल्यूज
दैट अ वेरिएबल टेक्स एट डिफरेंट टाइम्स सच डेटा मे बी कलेक्टेड एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स सच एज डेली. देखें जैसे स्टॉक प्राइसेस होते हैं, स्टॉक प्राइसेस डेली आप उसको चेक कर रहे होते हैं, वेदर रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, डेली बेसिस है, वीकली भी होते हैं डाटा, जैसे मनी सप्लाई फिगर्स, मंथली बेसिस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हर महीने का एक आ सकता है, जैसे पेट्रोल है वो एवरी 15 डेज भी दे रहे हैं, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्वार्टरली जीडीपी, एनुअली यानी जीडीपी जो है वो आप एनुअली देख रहे होते हैं, और इस तरह जो गवर्नमेंट बजट है वो एनुअली बल्कि ले रहे होते हैं. क्विनियली दैट इज एवरी 5 ईयर्स, जैसे सेंसेस है मैन्युफैक्चरर्स के. हाँ जी, डिसेंशियली यानी 10 साल के बाद, द सेंसेस ऑफ पॉपुलेशन 10 साल बाद हो रहा होता है. Sometimes data are available both quarterly as well as annually. ये भी होता है. Quarterly भी check कर रहे होते हैं और annually basis भी देख रहे होते हैं. As in the case of the data on GDP, the consumer expenditures with the advent of the high speed computers, data can be now be collected over extremely short interval of time. अब तो data जो है वो कहते हैं short interval time में भी आपको data provide कर रहा है. सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, कॉन्टिन्यूसली काम हो रहा है, तो इस तरह जो कंप्यूटर बेस्ड डाटा कलेक्शन हो गई है. सच है ऐसा डाटा ऑन स्टॉक प्राइसेस, उसको भी आप देखें ग्राफिकली आप देख रहे होते हैं कि हर हर लम्हे उसका चेंज आ रही होती है, स्टॉक चेंज प्राइसेस आ रही होती है, स्टॉक प्राइसेस का डाटा शो हो रहा होता है, तो कॉन्टिन्यूस बेसिस होता है. विच कैन बी ऑब्टेन्ड लिटरली कॉन्टिन्यूसली, इसको उसको आप कंटिन्यूअसली कह सकते हैं, सो कॉल्ड रियल टाइम कोट या रियल टाइम डाटा भी कहते हैं. सो इसका मतलब हुआ कि टाइम सीरीज डाटा जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में भी आ रहा है, और क्वार्टरली है, एनुअली है, डेली बेसिस है, आवरली बेसिस है, राइट. ऑल्दो टाइम सीरीज डाटा आर यूज्ड हेविली इन इकोनोमेट्रिक स्टडीज, दे प्रेजेंट स्पेशल प्रॉब्लम for econometrician as we will show in chapter. ये देखें ग्राफ पे अगर गौर करें तो ये आपके सामने डेटा, उन्होंने एक टाइम सीरीज डेटा की एक एग्जांपल दी हुई है. तो मनी सप्लाई ये इसको आगे टेबल में भी, एक टेबल भी शो किया गया है कि वो टेबल पे दिखा रहे हैं कि वो ईयरली बेसिस है ये, ठीक है. तो एक टाइम सीरीज डेटा की एक एग्जांपल है ये. आगे क्रॉस सेक्शनल डेटा देखते हैं. क्रॉस सेक्शनल डेटा आर डेटा ऑन वन आर मोर वेरिएबल्स कलेक्टेड एट द सेम पीरियड इन टाइम, सेम पॉइंट इन टाइम, एक टाइम में डेटा कलेक्ट किया जाता है. सच एज द सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन कंडक्टेड बाय द सेंसस ब्यूरो एवरी 10 ईयर्स. एक वक्त होता है जैसे इलेक्शन है, इलेक्शन एक वक्त में हो रहे होते हैं, तो वो सारा डाटा एक टाइम में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना. द लेटेस्ट बीइंग इन ईयर 2000. यहाँ जो जो ब्यूरो ऑफ सेंसस है उन्होंने सन 2000 में, ये अमेरिकन की बात कर रहा है क्योंकि वो अमेरिकन है, उसके बारे में बात की जा रही है. द सर्वेस ऑफ द कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर्स कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी मिशिगन एंड ऑफ कोर्स द ओपिनियन पोल्स बाय गैलप एंड अम्पटीन अदर द ऑर्गेनाइजेशंस. अ कंक्रीट एग्जांपल ऑफ क्रॉस सेक्शनल डाटा इज गिवन इन टेबल 1.1. ये जो भी हम फिगर देख रहे थे उसका डाटा दिया हुआ है. एक सेकंड. तो यहाँ हम सीख रहे हैं कि टाइम सीरीज डाटा और क्रॉस सेक्शनल डाटा विद एग्जांपल्स. अ कंक्रीट एग्जांपल ऑफ द क्रॉस सेक्शनल डाटा इज गिवन इन टेबल 1.1. दिस टेबल गिव्स डाटा ऑन एग प्रोडक्शन एंड एग प्राइसेस फॉर द 50 स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ 19
90 एंड 1991, एक साल का डाटा दिया हुआ है उन्होंने एग्स प्रोडक्शन का और एग प्राइसेस का, तो ये क्रॉस सेक्शनल डाटा है, तो टाइम्स के हिसाब से उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही होती या उसका एनालिसिस नहीं हो करना मतलब ये होता। एनुअली के बारे में। हाँ, ये एक एक वक्त में कोई डाटा ले लिया गया कि कितनी प्रोडक्शन हुई है और उसकी प्राइस क्या चल रही है। फॉर ईच ईयर द डाटा ऑन द 50 स्टेट्स आर क्रॉस सेक्शनल डाटा, दस द टेबल 1.1 वी हैव टू क्रॉस सेक्शनल एग्जाम्पल। ये देखें, ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये टेबल 1.1 की बात हो रही थी, तो ये स्टेट के डिफरेंट स्टेट्स हैं और यहाँ उन्होंने Y1, Y2, X1, X2, और यहाँ Y1, Y2 से क्या मुराद है, X1, X2 से क्या मुराद है, ये देखें। Y1 से मुराद है एग प्रोड्यूस्ड इन 1990, कितने एग्स प्रोड्यूस हुए हैं इन मिलियंस, और Y2 से मुराद है इन 1991, यानी दूसरे साल है, लगा दो हुआ है। अलग अलग सालों का डाटा दिया हुआ है, और ये कितने एग प्रोड्यूस हुए हैं, वाई से मुराद ये है, और जो X1 है ये प्राइस है, प्राइस इन सेंट्स, प्राइस पर डजन 90 का और 91 का, यानी X1 शो कर रहा है 90 ईयर्स को, ग्यारह 1990 नाइनटी को, और जो 2 है वो 1991 को शो कर रहा है, तो वाई शो कर रहा है प्रोडक्शन, और X1 जो X शो कर रहा है वो प्राइस को शो कर रहा है। सो इट्स अ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द क्रॉस सेक्शनल डेटा। और यहाँ इनका प्लॉट भी दिखा दिया गया है, नंबर ऑफ एग्स हैं प्रोड्यूस्ड इन मिलियंस, जो हमारे पास डेटा है उसको उन्होंने एक्स एक्सिस पर ले लिया है, एक्स की वैल्यूज को, ले लिया गया, जी और वाई एक्सिस पर ले लिया गया है प्राइस, ठीक है। तो अगर मैं ये आपको दिखाऊं, यहाँ जो डाटा है वो हो सकता है यहाँ भी मैंने लिया हो, ये टेबल 1.1 था, तो ये 1.2 शो हो रहा है टेबल, तो 1.1 भी हम टेबल जो है वो कॉपी कर सकते हैं। लाइक ये मैंने फाइल ओपन कर ली, जो हमारे पास फाइल है, मैं दिखाता हूँ, ये बुक है जी, और इस बुक से हमने टेबल लिया 1.1, देखते हैं कहाँ है हमारे पास टेबल, नहीं ये टेबल 1.1, 1.2 था टेबल ना, तो हम 1.2 टेबल पर जाते हैं, अगर 1.2 था तो वो तो हमारे पास अवेलेबल है। ये सर, लेकिन वो वैल्यूज मैच नहीं हो रही। मैं दिखाता हूँ, ये है ना टेबल, दोबारा देखते हैं 1.1, ये फोन नहीं है सर, कौन सा नीचे है सर, वीवो। नीचे है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया, नहीं ये टेबल है, देखिए यहाँ आगे जनाब हम टेबल 1.1 पर, ये आ गया टेबल, ठीक है। ये देखिए टेबल 1.1, अगर मैं इसको ऐसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने कंट्रोल सी किया और मैं एक मिनी टैब में ले जाता हूँ डाटा को, ठीक है, इधर मैंने किसी सेल पे रखकर मैंने कॉपी कर लेना है, ये आ गया, ठीक है। तो इसको मैं फिर ले गया जाता हूँ
कॉपी, फिर यहां से कॉपी किया और इसको मैं एक्सेल में ले जाता हूँ। यहाँ एक्सेल ओपन कर लिया, ये आ गया मेरा डाटा। और वो उसको बेसिकली टेक्स्ट में ले गया, वो उसका लगा हुआ है ना। एनी हो उसको न्यूमेरिक में बदल लेगा, कन्वर्ट टू नंबर्स। ये देखिए नंबर आ गए। ये ऐसी चीजें होती हैं जो हम परफॉर्म करने से ही पता चलता है कि कैसे कर रहे हैं। देखिए कन्वर्ट टू नंबर, नंबर्स बन गए, राइट। अब देखते हैं ग्राफ में क्या शो किया जा रहा था। ये टेबल था, ये ग्राफ उन्होंने, अरे तो इसमें उसने लाइन प्रिंट ड्रॉ किया। हाँ वो जरूरी नहीं था, और एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर दिया ना। ये हमारे पास वाई वन है और ये वाई वन की ही वैल्यूज चलती ये आ रही है। वो स्टेट है हाँ जी, ग्रीन। यानी इसको हम इन वैल्यूज को पैरेलल ले जाते हैं। ये देखो मैंने इनको यहां से उठाया, मैं ये यहां ले जाता हूँ ना, बल्कि क्या करता हूँ ये स्टेट को उठाता हूँ साथ। तो यहां ले गया जनाब, सही हो गया। तो अब मैं कोई एक साल का डाटा ले लेता हूँ, फर्ज करें वाई वन लिया। वाई जो है वो वाई एक्सिस कहाँ लिया इन्होंने, देख लेते हैं। देखिए जो एक्स है ना वो एक्स एक्सिस पे ले लिया, नंबर ऑफ एक्स नहीं, नंबर ऑफ एक्स, एक्स जो है ना वो एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, प्राइस प्राइस को लिया है वाई एक्सिस के ऊपर। तो अब हम ऐसे कर लेते हैं कि ये हमारा जो डाटा है ना, इंसर्ट करके मैं इस वाले को यहां ले आता हूं, ठीक हो गया। अब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई को उन्होंने क्या किया बोला, वाई को एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, यानी इसको एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है ना। यूं अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, सही। जो पहला कॉलम होगा वो एक्स एक्सिस पर आ जाएगा, स्कैटर प्लॉट अगर मैं एम एस एक्सेल के थ्रू जाऊं। ये देखो ऐसे डाटा आ गया हमारे पास, यू प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ हम शो कर देंगे 1990 डाटा ना, एक्स वन क्योंकि दोनों एक्स और वाई, दोनों एक्स में ज्यादा मिल रहे हैं। जी। और सेम ऐसे ही हम काम कर सकते हैं वाई टू के साथ। 1991 को होगा। यस, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये मैं कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके ना एरो की डाउन की प्रेस करता हूँ तो ये सारा सिलेक्ट हो जाता है, इंसर्ट। और ये देखिएगा यूं आ गया आपके पास स्कैटर प्लॉट, समझे। इसको हम लेबल कर सकते हैं कि कौन सा हाँ, उसको आप 1990 का लेबल है। कर ले, उसके उसको टाइटल दे दें इसका। सो इस तरह से हमें यू प्लॉट मिला है। पूल्ड का वही मतलब है कि जो दोनों मिक्स होंगे। हम अपनी फाइल पे जा रहे हैं, यहाँ यहाँ हम बात कर रहे थे। अच्छा यहाँ ना आप कुछ टर्मिनोलॉजी सिखा रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई गिवन एक्स आई। एक्स आई यानी एक खास पॉइंट के ऊपर जो आपके पास वैल्यूज हैं वाई की, उसको इस मॉडल से शो कर रहा है, बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई। अच्छा हाँ, इसमें ना ये वो सिखाना चाह रहा है आपको लीनियर लीनियर इन पैरामीटर्स। मतलब अगर ये मॉडल देखें आप, एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई गिवन एक्स आई, ये लिखा है बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई, यहाँ एरर टर्म नहीं है ना। तो दूसरा ये कि बीटा वन और बीटा टू इनका जो एक्सपोनेंट है वो वन है, तो इसे हम कहेंगे लीनियर इन पैरामीटर रिग्रेशन मॉडल।
यहां भी ऐसा ही है, बीटा वन बीटा टू पे गौर करें तो वो रिग्रेशन जो पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से ये लीनियर है। सो दोनों मॉडल यहाँ जो दिए हुए हैं ना ये लीनियर हैं। नाउ कंसीडर द मॉडल, अगर आप इस पे गौर करें, बीटा टू स्केयर है, बीटा टू स्केयर। नाउ सपोज एक्स इक्वल्स टू 3, देन अगर हम एक्स की जगह हम 3 पुट कर दें तो देखें बीटा स्केयर बन गया ना, विच इज नॉन लीनियर इन पैरामीटर बीटा टू। द प्रिसीडिंग मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर इन पैरामीटर्स। ये नॉन लीनियर इसको कहते हैं। बाकी ये भी लीनियर था और ये भी लीनियर, लीनियर इन द पैरामीटर। सो वी विल डिस्कस सच मॉडल्स इन चैप्टर 14। वो आगे जाकर कहते हैं ये नॉन लीनियर मॉडल्स को स्टडी किया जाता है। बेसिकली जो पहला चैप्टर है ना इसमें सारी हम यह के बाद डिग्री टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं। मतलब अभी आया कि क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होता है, टाइम सीरीज डाटा क्या होता है, अभी वो बात कर रहा है लीनियर रिग्रेशन से क्या मुराद होता है, लीनियर इन पैरामीटर से क्या मुराद होता है, और लीनियर इन वेरिएबल से क्या मुराद होता है, ये अभी और गौर कीजिएगा। देयर फॉर फ्रॉम नाउ ऑन द टर्म लीनियर रिग्रेशन विल ऑलवेज मीन अ रिग्रेशन दैट इज लीनियर इन पैरामीटर्स। जब भी बेटा लीनियर रिग्रेशन की बात की जाएगी तो इससे मुराद होगा लीनियर इन पैरामीटर्स। द बीटाज दैट इज द पैरामीटर आर रेज टू द फर्स्ट पावर ओनली। बीटाज की पावर वन मिलेगी आपको लीनियर रिग्रेशन के अंदर। इट मे आर मे नॉट बी लीनियर इन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। द एक्सिस स्कीमेटिकली वी हैव टेबल 2.3, थस बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई विच इज लीनियर बोथ इन पैरामीटर्स एंड द वेरिएबल। ठीक है ना, ये वाला मॉडल जो है वो बीटास के हिसाब से भी लीनियर है और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के हिसाब से भी लीनियर है। इज एल आर एम लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड सो इज दिस विच इज लीनियर इन पैरामीटर्स बट नॉन लीनियर इन वेरिएबल एक्स। जी ये देखिएगा, ये दोनों ये तीनों मॉडल जो है ना बीटास के हिसाब से वो लीनियर है। बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, इसमें भी बीटा वन बीटा टू पे रेज टू द पावर, देखिए वन आ रही है सेकंड जी सेकंड वाले में। सो इट्स ये भी लीनियर है इन पैरामीटर्स बीटा। यहाँ दो के एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ रही है, लीनियर इन पैरामीटर फंक्शन, तीनों लीनियर इन पैरामीटर फंक्शन है। तो अगर आप इसमें लाइंस की बात करें, एस आर एफ से मुराद होगा सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, ये सैंपल बेस्ड है, और पी आर एफ से मुराद होगा ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। ठीक है, तो यानी हैट हो तो वो सैंपल बेस्ड है, और अगर हैट के बगैर है बीटा वन बीटा टू तो वो पॉपुलेशन बेस्ड है मॉडल। दोबारा तो ये सर, दोबारा देखिएगा कि यहाँ अगर आपको एस्टिमेटेड हैट आता है ना, तो ये एस्टिमेटेड है एस फॉर सैंपल है, और बगैर हैट के वो पी ले लिया जाएगा फंक्शन, पी फॉर पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन एक्चुअल डेटा है। वो एक्चुअल डाटा है उसको एस्टिमेट किया जा रहा है। ये डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं एस्टिमेटेड को, और ये इस तरह इस लाइन को शो कर रहा है, तो वो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, आर फॉर रिग्रेशन, एफ फॉर फंक्शन, पी फॉर पॉपुलेशन। सो इसकी पहचान है हैट होगा एस सैंपल बेस्ड। अच्छा, दूसरा जहां हैट आ रहा है वो सैंपल बेस्ड है, जैसे डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू वो आपका यू हैट है, और जो रियल डाटा है या जो उसका पॉपुलेशन फिट है उसका उस ऑब्जर्वेशन के साथ जो डिफरेंस होगा वो बगैर हैट के होगा। जो आपका एस्टिमेटेड डिफरेंस है उसपे हैड नहीं होगा, जी, एक्चुअल उसपे हैड नहीं जो होगा। एक्चुअल है उस पर हैड नहीं होगा। अब यहां देखिएगा कि अच्छा
इसके हम ना एक्सरसाइज की तरफ मूव करने लगे। चैप्टर वन की ये एक्सरसाइज है, टेबल 1.2। अभी मैं देखता हूँ टेबल 1.2 क्या शो कर रहे हैं। गिव्स डाटा ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है फॉर 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज विद 1982 टू 1984 एज बेस ऑफ द इंडेक्स। पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है आपको, फॉर्म द गिवन डाटा, फ्रॉम द गिवन डाटा कंप्यूट इन्फ्लेशन रेट फॉर ईच कंट्री। इन्फ्लेशन रेट पता कैसे निकलता है? आपने डिफरेंस लेना है, मतलब करंट ईयर चल रहा है ना, हमने पिछले साल का करंट ईयर प्राइस का डिफरेंस ले लेना है और डिवाइडेड बाई कर लेना है जो पिछला साल है, प्रीवियस ईयर, उसकी प्राइस के साथ प्रीवियस ईयर प्राइस, तो उस वो इन्फ्लेशन निकलेगा। उसको प्लॉट करना होगा, पहले हम इन्फ्लेशन फाइंड कर लेंगे उसके बाद उसको प्लॉट कर लेंगे। बी पार्ट में क्या है, प्लॉट द इन्फ्लेशन रेट फॉर फॉर ईच कंट्री अगेंस्ट टाइम। एक एक्स एक्सिस पर टाइम ले लेंगे और जो हमें कंट्रीज गिवन है उनके इन्फ्लेशन रेट्स आ जाएंगे, उनको हमने प्लॉट कर लेना है। यूज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस फॉर टाइम एंड वर्टिकल एक्सिस फॉर इन्फ्लेशन रेट। वाई एक्सिस पर इन्फ्लेशन रेट ले लेंगे, एक्स एक्सिस पर टाइम ले लेंगे। व्हाट ब्रॉड कंक्लूजंस कैन यू ड्रॉ अबाउट इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस इन द 7 कंट्री। वो हम ड्रॉ करेंगे तो पता लगेगा, ड्रॉ करेंगे ना, उसको इंटरप्रेट कर देंगे हम। विच कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट सीम्स टू बी मोस्ट वेरिएबल। कौन सा कंट्री है जिसमें इन्फ्लेशन ज्यादा आ रही है, किसकी ज्यादा, कंट्री के हिसाब से कौन सी कंट्री है जिसमें इन्फ्लेशन ज्यादा आ रहा है, उसके अंदर वेरिएशन ज्यादा आ रही है। देखिए जब जब भी हम किसी में वेरिएशन फाइंड करते हैं ना, तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन फाइंड कर रहे होते हैं, तो हम इन्फ्लेशन हर कंट्री का फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उसका ईच कंट्री का स्टैंडर्डाइजेशन फाइंड कर लेंगे, इन्फ्लेशन का स्टैंडर्डाइजेशन। जिसका स्टैंडर्डाइजेशन कम होगा हम कह देंगे कि इन्फ्लेशन इसमें कम आ रही है, वेरिएशन कम आ रही है। जिसका ज्यादा होगा उसको हम कह देंगे ज्यादा आ रही है। फर्ज करें यहाँ देखें, ये हमें डाटा दिया हुआ है 1.2 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा दिया है इन 7 इंडस्ट्रियल कंट्रीज। ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। इनके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गिवन है और ये डाटा 1973 टू 97 तक का डाटा गिवन है। तो हम क्या, यहाँ एक प्रोसीजर भी उन्होंने दिया हुआ है कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द करंट ईयर्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, वो अभी बात हो रही थी, डिवाइड द डिफरेंस बाय द प्रीवियस ईयर्स कंज्यूमर प्राइस सीपीआई एंड मल्टीप्लाई रिजल्ट्स बाय 100। इसलिए कर रहे हैं कि वो परसेंटेज में लेके जा रहे हैं। दस द इन्फ्लेशन रेट फॉर द कैनेडा फॉर 1974 इज दिस वन। जैसे एक एक उन्होंने कैलकुलेशन करके हमें दिखा दी है। तो क्या करेंगे हम, इसको हमने इसी प्रोसीजर के साथ यूं हमने फाइंड कर लिया। अगर मैं आपको एक्सेल में ले जाऊं तो एक्सेल का ये एक्सरसाइज नंबर 1 और इसका डाटा अगर मैं दिखाऊं ना, तो ये देखिए टेबल 1.2 है, ये आपके सीपीआईज हैं कंट्रीज के, तो इनको हमने कन्वर्ट कर लेना है इन्फ्लेशन रेट्स में। तो इन्फ्लेशन रेट का अगर मैं आपको यहाँ अप्लाई करके दिखाऊं, तो ये मैं दोबारा ऐसे यस लिख लिए, ठीक है, ये काले मैंने यस का ले लिया और ये ही मैंने जो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इसको मैं इधर ले जाता हूँ। चलो ये जनाब यहाँ आ गए ना, ठीक है, ये देखिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हुआ। अगर आप गौर करो ना, तो कैसे कर रहा हूँ, करंट को आपने बेस से माइनस किया डिफरेंस, मैं यहाँ दोबारा टाइप कर देता हूँ, मैंने ये डिलीट कर दिया, इक्वल्स टू,
ये है। अच्छा ब्रैकेट मैंने अप्लाई कर ली, ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिफरेंस आ गया, और डिवाइडेड बाय बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर प्राइस, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर ले, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया 10.784। इसी को नीचे कर दें इसी सबसे। को आपने यहां, मैंने कॉपी कर लिया तमाम कंट्रीज को, और मैंने ये डबल क्लिक किया तो वो सारी ऑटोमेटिकली उसने प्रोड्यूस कर दी। अच्छा ये इन परसेंट है, अगर आप परसेंट में शो नहीं करना चाह रहे तो आप मल्टीप्लाइड बाय जो 100 है ये खत्म कर दें, ठीक है। तो यूं ही मैंने एक रो में कर लिया और डबल क्लिक किया तो सारे जहां जहां अच्छा वो फॉर्मूला अप्लाई हो गया ना। सो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया, ये वो हमारे पास डेटा आ गया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हमने कन्वर्ट कर लिया है इन्फ्लेशन रेट्स में, ये आ गया ना। तो पहला क्वेश्चन ये था कि आप इनके इन्फ्लेशन रेट्स फाइंड करें, तो हमने हर कंट्रीज के फाइंड कर लेकिन दिए। उसने वो 3 सालों का खाया सिर्फ 82, 83, हाँ तो वो 84, शो कर देंगे, 89 बस ठीक है ना। ऑनलाइन हाँ निकाल अगर आप देखो यहाँ तो हमने एक कंप्यूटर यूज कर लिया ना, लिया। यूज अलग एम एस व्हाट्सएप पे एक्सेल यूज कर निकाल लिया, लिया अगर मैंने, आपने मैनुअली करना है तो उन्होंने थोड़ा सा काम थोड़ा देना है सा ही आपको, देना मेरे से तो मैनुअली नहीं। आइडिया लेना है कि आपको करना आ गया। ठीक फिर उन्होंने पूछा है अगले पार्ट में कि इसका ग्राफ स्केच करें, कि एक्स एक्सेस पर टाइम ले लें और वाई एक्सेस पर आप इन्फ्लेशन ले लें। तो वो देखें एक्सेल को ही अगर मैं यूज करूं तो मैं क्या करूंगा कि ये इन्फ्लेशन है, ये एक जो मैं सारा सिलेक्ट कर देता हूँ, देखें लेट से ये जो गैप आ रहा है ना इस कॉलम का वो मैं खत्म कर देता हूँ, मैंने डिलीट कर लिया। मैंने ये डाटा सारा अगर मैं एक्सेल के अंदर सिलेक्ट कर लूँ, ये टेबल जो इन्फ्लेशन वाला टेबल है, और इसमें मैं अब इंसर्ट, यहाँ देखें चार्ट्स, चार्ट्स में स्कैटर प्लॉट है और स्कैटर प्लॉट उन्होंने वो कनेक्ट किया हुआ है, तो ये मैंने ड्रा कर दिया। तो उसने क्या किया ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस के ऊपर उसने टाइम ले लिया है, और डिफरेंट उन्होंने कंट्रीज का जो हमारे पास 7 कंट्रीज हैं, तो 7 डिफरेंट उसने ये हमें इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रेट्स दे दिए। जी यहाँ हमें पता चल रहा है किसका इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, ये इटली जो है वो इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, ठीक है ना। तो इससे हम देख सकते हैं कि किसका कम आ रहा है और किसका ज्यादा आ रहा है, कनाडा, ठीक है। तो यूं हम इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि किसका इन्फ्लेशन कम है ज्यादा है। सो सेकंड पार्ट में उसने हमें ये कहा कि इसका इसका प्लॉट ड्रा करें, तो वो हमने इस तरह से कर दिया। सी पार्ट में वो इसकी इंटरप्रिटेशन मांगेगा, देखिए इस क्वेश्चन की तरह हम देखते हैं। बी में था प्लॉट इन्फ्लेशन रेट फॉर ईच कंट्री अगेंस्ट टाइम, ओके हो गया। यूज द हॉरिजेंटल एक्सिस फॉर द टाइम एंड द वर्टिकल एक्सिस फॉर इन्फ्लेशन रेट। सी पार्ट में व्हाट ब्रॉड कंक्लूजन्स कैन यू ड्रॉ अबाउट इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस इन द 7 कंट्रीज, तो जो इसका ब्रॉड कंक्लूजन क्या लेते हैं। तो देखिएगा हम अगर इसका ग्राफ में देखें, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर दिस वन, द इन्फ्लेशन रेट ऑफ ईच ऑफ द कंट्रीज हैज जनरली डिक्लाइंड ओवर द इयर्स। तो जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं वो कम होती जा रही है, उसका जो इन्फ्लेशन है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। यानी जीडीपी उनका स्टेबल होता जा रहा है, उनका जीडीपी से वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम होता जा रहा है, जबकि हमारे पाकिस्तान में आप देख लें तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। यानी आज की प्राइस और पिछली प्राइस से इतना ह्यूज डिफरेंस होता है जी कि जो एडवांस कंट्रीज हैं, जो एस्टेब्लिश कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, तो उनका देखें जो इन्फ्लेशन है वो महदूद कंट्रोल्ड होता है, जा रहा है, वो कंट्रोल्ड है। तो यही चीज होती है।
इसमें डी पार्ट आप देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसी क्वेश्चन का डी पार्ट, डी में उसने आई थिंक वह कहता है विच कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट सीम्स टू बी मोस्ट वेरिएबल, यानी जो इन्फ्लेशन आया है ना तो कंट्रीज के हिसाब से हमारे पास 7 कंट्रीज हैं, जी 7 कंट्रीज में इन्फ्लेशन का जो वेरिएशन है वो कम किसकी है, किस कंट्री के है, और ज्यादा किसकी है। तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे। अब अगर मैं एक्सेल में जाकर आपको ये बात समझाऊं कि ये हमारे पास इन्फ्लेशन रेट्स हैं कंट्रीज के, ठीक है, इस पर मैं ये फंक्शन लगा देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का। मैं यहाँ दोबारा शो कर देता हूँ, ये देखिएगा कि मैंने, STDEV हाँ वो जो बिल्ट इन फंक्शन है, मैंने यहाँ जनाब STDEV, ठीक है, तो ये मैंने डॉट पी, पी का मतलब होता है ये सारी वैल्यूज को टिकअप करेगा, ये मैंने सारी वैल्यूज ले ली इसकी, ठीक है, इतनी वैल्यूज है, और मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एक आंसर ले लिया। जी तो इसी को मैंने आगे ये फॉर्मूला कॉपी कर दिया। अब यहां देखने वाली बात है कि लीस्ट किस कंट्री की आई है। अगर मैं इसको फोल्ड कर लूं, यहां मैंने हाइड करके ना ये फोल्ड कर लिया, अब मुझे कंट्रीज नजर आ जाएंगे, राइट। तो लीस्ट इसमें 0.01 आ रहा है, ये लीस्ट है, और लीस्ट आपका है जर्मनी, जी जर्मनी टेक्निकली साउंड कंट्री। और इटली जो है, देखिए इटली का हाईएस्ट है 0.06, बाकी जो है 0.03, 0.05, 0.05, 0.04, और इटली जो है ये अलार्मिंग है कंपैरेटिव, यानी दो वो उसका भी जीडीपी बहुत अच्छा आया है, लेकिन इन 7 कंट्रीज के बिटवीन अगर हम ये कितने सबसे का, ज्यादा इटली हाँ सबसे ज्यादा वो इटली का इन्फ्लेशन रेट आया है 7 कंट्रीज। तो अच्छा, इन्हीं की बेसिस पे हम कहेंगे कि वेरिएशन किसकी कम है किसकी ज्यादा है स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर। सो स्टैटिस्टिकल एक मेजर का हम यूज करना सीख गए कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करके हम यहाँ इन्फ्लेशन की वेरिएशन बता रहे हैं। यहाँ उसी को मेंशन कर दिया गया है कि लाइक अगर मैं इसका आंसर यहाँ रीड करूँ, एज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी वी कैन यूज स्टैंडर्ड डेविएशन, दी स्टैंडर्ड डेविएशंस आर, ये मैंने वहां से कैलकुलेट करके यहाँ लिख दी है। और कंट्री वाइज रिस्पेक्टली फॉर कनाडा, यानी पहला कनाडा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, सेकंड फ्रांस है, ठीक है, थर्ड जर्मन है। तो जर्मन सबसे कम वेरिएशन आ रही है इन्फ्लेशन रेट में, फिर देन इटली है, तो इटली का ज्यादा है, और जर्मन एंड इटली ये दो कंट्रीज मिली हैं। अब यहाँ देखिए ये लिखा है द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी दस फाउंड फॉर इटली एंड द लोएस्ट फॉर जर्मनी, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को हमने टिकअप किया था, उसके एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। अच्छा ये नेक्स्ट है 1.2, यानी सेकंड क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, और इसको आप देखते हैं। प्लॉट द इन्फ्लेशन रेट ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द यूनाइटेड किंगडम अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ्लेशन रेट। अब देखिए उन्होंने कहा टाइम छोड़ दो, एक्स एक्सिस पर टाइम ना लो, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो इन्फ्लेशन रेट आया ना वो ले लो, और बाकी 6 कंट्रीज रह गए वो आप वाई एक्सिस पे ले, यानी हर एक अलग अलग बनता है ना, यानी यूनाइटेड अमेरिका को कंपेयर स्टेट्स, करने लगा बाकी। हाँ अमेरिका वर्सेस कनाडा, अमेरिका वर्सेस फ्रांस, अमेरिका वर्सेस जर्मन, यानी हमारे स्टैंडर्ड है ये यूनाइटेड स्टेट्स। अब डॉलर भी देख लो, यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर के साथ कंपैरिजन हो रहा होता है कि कौन सा कितना है उसका। अब ये यही पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अब एक दफा पढ़ लेते हैं उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। कमेंट
जनरली अबाउट बिहेवियर ऑफ इन्फ्लेशन रेट इन सिक्स कंट्रीज विद द यूनाइटेड यूएस इन्फ्लेशन रेट वर्सेस यूनाइटेड स्टेट इन्फ्लेशन रेट के साथ आपने इसको इसका बिहेवियर चेक करना है. If you find that six countries' inflation rates move in the same direction as the US inflation rate, would that suggest the US inflation cause inflation in the other countries? Why or why not? अच्छा ये जो इस तरह ग्राफ दिखाएगा ना तो causation का मतलब होता है कि क्या ऐसा है कि US के inflation आ रहा है तो इस वजह से बाकियों का inflation आ रहा है. ऐसा नहीं होता. ये तो स्टेटिस्टिक्स को आपने ग्राफ का कहा, ग्राफ तो वो बना देगा, लेकिन रियल सेंस ये नहीं होती कि यूएस का इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो इसलिए बाकियों का बढ़ रहा है, या यूएस का स्टेबल है तो बाकी भी स्टेबल है. ग्राफ से ये इंटरप्रिटेशन नहीं बनती. काजेज ये नहीं हो सकते. काजेज और होंगी. अच्छा वो जो काजेस है ना वो आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे, वो मैक्रो इकोनॉमिशियंस वो लोग हैं. ये ओपन डिस्कशन बन जाती है कि क्यों हो रहा है ऐसा. हम इस ग्राफ को इंटरप्रेट इस तरह से देखकर नहीं कर सकते. वो तो एक ग्राफ है, उसको हमने एक यू कह लेंगे मशीन को कहा कि एक्स एक्सिस पे ये ले लो, वाई एक्सिस पे ये ले लो, उसने तो एक स्कैटर प्लॉट दे देना है. तो उसको हम डायरेक्टली इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते इससे. वाई अपना यूएस के इन्फ्लेशन रेट के साथ इसकी कोरिलेशन बन रही है कि नहीं बन रही, तो इसलिए काजेशन जो है वो एक्सपर्ट्स बताते हैं. ठीक है जी. तो ये वो तीसरे जो इसका जो क्वेश्चन का पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे. ठीक है, ये प्लॉट हमने कर लिया. क्या किया अगर मैं आपको एक्सेल पे ले जाऊं दोबारा. अब मैं यू करता हूं कि यूएस वाला ये जो है ना इसको ऐसे करते हैं कि एक्स एक्सिस बनाने के लिए ना मैं इसको अभी चले इधर रहने देता हूं. इस ईयर की जगह मैं ले आता हूं, सॉरी इसको मैंने बदला और यूएस वाले को मैं ले आता हूँ पहली पोजीशन पे. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जब मैं सिलेक्ट करूँगा ना ये वाले ये 6 और 7 यूएस, ऑटोमेटिकली जब हम स्कैटर प्लॉट करते हैं ना तो पहले एक्स एक्सिस पे ले जाता है, दूसरा वाई पे ले जाता है, और जो तीसरा चौथा है वो भी वाई पे रखता है उसको. या मैं ऐसे समझाऊंगा आपको कि ये दो मैंने सिलेक्ट कर लिए और फिर मैं इंसर्ट स्कैटर प्लॉट में ले जाऊं तो यहां मैंने इसको प्लॉट कर दिया ना. और अगर मैं बाकी भी इंक्लूड करना चाहता हूं उनके स्कैटर तो मैं सिर्फ वाई को मैं बढ़ा दूंगा. क्लियर, तो उसने बाकियों को भी ले लिया. मैं कहीं एक काम करना चाह रहा हूं, देखो कम हो गया. तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं. अब यहां इस ग्राफ को अगर गौर करें ना तो क्या मिल रहा है कि ये इन्फ्लेशन, अगर मैं ट्रेंड दिखाऊं ना आपको एक एक का, तो ऐड और यहाँ ये ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन अगर मैं कनाडा की शो करना चाहता हूँ, ये देखो ये वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, कि जैसे जैसे यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कनाडा का बढ़ रहा है. अगर मैं बाकी ट्रेंड शो करना चाहूँ तो मैं फिर ऐसे ही जाऊँगा कि ट्रेंड लाइन, अब फ्रांस का देखना चाहूँ तो ये देखो फ्रांस का भी इसी तरह. ठीक है, तो एक एक को हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो ये हमें कहा गया था फर्स्ट पार्ट में कि आपने यूएस का एक्स एक्सिस पे लेना है और बाकी जो है वो अपने वाई एक्सिस पे लेना है. तो इस तरह से हमने इनके इन्फ्लेशन रेट्स का प्लॉट ड्रा कर लिया. बी पार्ट में उसने कहा था एज अ फिगर शोज द इन्फ्लेशन रेट्स ऑफ द सिक्स कंट्रीज आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, बढ़ रहा है तो वो बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रही है.
छह के छह कंट्रीज जो हैं वो यूएस के इन्फ्लेशन रेट के साथ ग्राफ से ऐसा लग रहा है कि वो बढ़ रहे हैं, जबकि रियल सेंस में हम ये नहीं कह सकते कि वो उसको कंट्रोल यूएस कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, वो अपने हिसाब से उनका जीडीपी है उनके, ऐसा नहीं होता है कि वो ये कोई रिलेटेड है इनके साथ, तो यहाँ कॉजेशन का अफेक्ट आ जाता है कि उसको स्टडी किया जाता है, वो एक्सपर्ट्स ओपिनियन होती है। और डीप सी पार्ट में यही बात की है, रिमेंबर दैट कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन, कोरिलेशन अगर आ रही है पॉजिटिव कोरिलेशन, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि रीजन यही है, कॉजेशन और है और कोरिलेशन और है। कोरिलेशन एक टूल का नाम है, आप किसी भी दो वेरिएबल्स को पकड़ के आप उसके दरमियान कोरिलेशन चेक कर सकते हैं, तो वो जरूरी नहीं होता कि उस वजह से वो चेंज आ रही है, ठीक है ना, एक्स और वाई की हम ले रहे हैं तो वो कॉजेशन एक्सपर्ट्स बताते हैं। वन मे हैव टू कंसल्ट एन इकोनॉमिस्ट, आपको इकोनॉमिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी कॉजेशन कनेक्शन बिटवीन यूएस एंड अदर कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट। ये एक ओपन डिस्कशन है फॉर द एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो यूं था, आगे देखें 1.3 यानी इस चैप्टर का एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, टेबल 1.3 गिव्स द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स फॉर सेवन इंडस्ट्रियल कंट्रीज। इस तरह सेवन इंडस्ट्रियल कंट्रीज का ही उन्होंने दोबारा एक डाटा ले लिया, पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, अब हम आपके पास आ गया है फॉरेन एक्सचेंज रेट के, कंट्रीज वही हैं और उन्होंने 1977 टू 1998 तक का डाटा कलेक्ट किया सेवन कंट्रीज का और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ले लिए, एक्सेप्ट फॉर द यूनाइटेड किंगडम। द एक्सचेंज रेट्स इज डिफाइंड एज अ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर वन यूएस डॉलर। कहता है कि किंगडम को छोड़ दें, बाकी जो कंट्रीज हैं वो एक यूएस डॉलर के बदले कितना उनका रेट है ये शो किया जा रहा है यहाँ, यानी एक यूएस डॉलर में कितने आप बाकी कंट्रीज के आप ले सकते हैं, उनकी करेंसी कितनी खरीदी जा सकती है। जैसे आजकल पाकिस्तान में एक यूएस डॉलर में 283 रुपीज मिल सकते हैं, मैं आपको एक डॉलर पकड़ाऊं आप मुझे पाकिस्तानी रुपीस देंगे 283, तो ये मुराद है। अच्छा, जो किंगडम है यूनाइटेड किंगडम, उसका उन्होंने कहा कि इससे जरा हट कर बात की गई है कि फॉर द यूनाइटेड किंगडम इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूएस डॉलर्स फॉर वन यूके पाउंड, यानी वन यूके पाउंड में कितने यूएस डॉलर आ रहे हैं। हाँ वो ज्यादा है, अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि जो पाउंड की वैल्यू ज्यादा है यूएस डॉलर की कम है, यानी एक यूके पाउंड में कितने आप डॉलर अमेरिकन खरीद सकते हैं। ये जो यूके की जो इस टेबल में वैल्यूज दी होंगी ना, तो इससे मुराद है इनका एक पाउंड, अगर वो 1.2 आ रहा है फर्ज करें तो 1.2 अमेरिकन डॉलर मिल रहे हैं उसको। बाकी अगर इटली की बात करें तो, या जापान की बात करें, या जो बाकी कंट्रीज हैं, उसका मतलब होगा एक डॉलर से इतने उनको मिल रहे हैं, यानी वो उनकी करेंसी है। लेकिन यूके में एक पाउंड पीछे छुपा हुआ है, ठीक है ना, तो अमेरिकन डॉलर शो हो रहे हैं। यूके वाला जो कॉलम है उसमें डॉलर शो हो रहे हैं यूएस डॉलर, और बाकी सारे कंट्रीज में शो हो रहे हैं उनकी अपनी करेंसी एक यूएस के यूएस डॉलर के बदले में। जैसे फर्ज करें यहाँ पाकिस्तान तो नहीं है, अगर पाकिस्तान का डाटा होता तो वो रुपीज 283 दिखाना था, वो रुपीज दिखाए जा रहे हैं और पीछे उसका एक डॉलर है। प्लॉट दीज एक्सचेंज रेट्स अगेंस्ट टाइम एंड कमेंट ऑन द जनरल बिहेवियर ऑफ द एक्सचेंज रेट्स ओवर द गिवन टाइम पीरियड। हमें प्लॉट करना भी आता है और हमें कमेंट करना भी आता है, अभी हम उसको करते हैं। बी पार्ट में द डॉलर इज सेट टू एप्रिशिएट इफ
इट कैन बाई मोर यूनिट्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। बिल्कुल ठीक है कि डॉलर अप्रिशिएट होता है अगर 1 डॉलर से आप किसी भी मुल्क की करेंसी ज्यादा खरीद लेते हैं। कंट्रेरली इसका उलट, इट इज सेड टू डेप्रिशिएट। एक एप्रिशिएट है, एक डेप्रिशिएट है। डेप्रिशिएट में कम आएंगे और इसका मतलब एप्रिशिएट में, वैल्यू कम हो रही है, इसका हाँ, वैल्यू यानी डॉलर की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो एप्रिशिएट है। एप्रिशिएट सही पढ़ना है। और इस तरह अगर डॉलर की वैल्यू कम हो रही है तो वो डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट। इफ इट बाइज फ्यूर यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी ओवर द टाइम पीरियड 1977 टू 1998, व्हाट हैज बीन द जनरल बिहेवियर ऑफ यूएस डॉलर्स। ग्राफ से हमें पता चलेगा कि क्या बिहेवियर है उसका। हाँ, यहाँ जो कंट्री दिखाए जा रहे हैं ना, वो यूके के हिसाब से वो मेरे ख्याल डेप्रिशिएट निकलेगा, बाकी कंट्रीज के हिसाब से वो एप्रिशिएट होगा यूएस डॉलर। इंसिडेंटली लुक लुक अप एनी टेक्स्ट बुक ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स टू फाइंड आउट व्हाट फैक्टर्स डिटरमिन द एप्रिसिएशन ऑफ आर डिप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ आर करेंसी। करेंसी किसी भी कंट्री की करेंसी की डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन अगर आपने डिस्कस करनी है तो वो एक्सपर्ट बता सकते हैं कि क्या वजह है। वजूहात अगर आपने बयान करनी है तो वो आपको फिर वही सर, वो, उसके पीछे बहुत सारे हाँ, डिफरेंट फैक्टर्स उनके बहुत सारे और अदर फैक्टर्स होते हैं जो हम लिमिटेड, जो हमें इंफॉर्मेशन है इसकी बेस पे हम नहीं बात कर सकते। तो ये वो डाटा था जो अभी हम जो हमें दिया जा रहा है। यहाँ सिर्फ बात समझने वाली है, यूके का जो कॉलम है इसमें आप समझो ये डॉलर लिखे हुए हैं, 1 पाउंड के बदले में 1,744,900 डॉलर हैं इस साल 77 में। और बाकी अगर फर्ज करें मैं जापान की बात कर रहा हूँ तो 1 अमेरिकन डॉलर के बदले में उनका इतने जो, जापानीज हाँ, करेंसी आ रही जैपनीज करेंसी है, येन जी। में होती है उनकी। तो ये वो बातें हैं ऐसे डाटा। एज यू कैन सी द एक्सचेंज रेट शो अ गुड डील ऑफ वेरिएबिलिटी। अगर हम डाटा पे गौर करें तो वो वेरिएबिलिटी है। ईयर टू ईयर्स अगर विद इन द कंट्री हम चेक करें तो चेंजेस आ रही हैं। यहाँ तो पाकिस्तान का डाटा नहीं दिया वरना तो चेंजेस आपको अच्छी खासी नजर आती। जैसे आप जापान की बात करें तो उसमें अगर कोई साल ले लें, फर्ज करें 1995, देखें 93 येन, तो और बाकी 268 भी शो हो रहा है डाटा। और यानी 77 में अगर देखें तो यहाँ वेरिएशन है, वेरिएशन आ रही है। यानी इसका मतलब है जो उसमें इन्फ्लेशन है वो कम होता जा रहा है, या यूएस डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हो एप्रिशिएट रहा है विद द पैसेज ऑफ द टाइम। सो अब हम देखते हैं आगे। यहाँ यही यही उन्होंने एग्जांपल शो कर दिए। देखें यहाँ जो बताया जा रहा है ना, देखिए एज यू कैन सी द एक्सचेंज रेट शो अ गुड डील ऑफ वेरिएबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल इन 1977 द यूएस डॉलर बॉट अबाउट 268 येन, बट इन 95 इट कुड बाई अबाउट 94 येन। सो देयर इज अ वेरिएशन। मतलब है सर के जापानीज की जो येन करेंसी है वो एप्रिशिएट हुई है वो और अप्रिशिएट हुई यूएस है। डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है। तो अच्छा यहाँ देखिएगा इसका ग्राफ उन्होंने शो कर दिया कि अच्छा यहाँ देखें, यहाँ जो लेफ्ट साइड पर ना अपना वाई एक्सिस है ना 0.5, ये लॉग में डाटा ले लिया है, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है। अदरवाइज तो बहुत गैप होता है। मतलब मैं ये दिखाऊँ ना आपको, देखें ये ग्राफ तो आपको सारे बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनका जो एक्सचेंज रेट है वो यूएस डॉलर के मुकाबले में यानी कम है। और ये जो है इसमें जापान है तो उसमें वो ज्यादा है ना, तो इसलिए वो कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो वाई एक्सिस को फिर लॉगरिथमिक में बदल दिया गया है। तो ये वो अब वो एनालिसिस हो रहा है उसका।
इसको देखकर हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं बी पार्ट में अगेन द पिक्चर इज मिक्स्ड फॉर इंस्टेंस बिटवीन द 77 एंड द 95 द यूएस डॉलर्स जनरली डेप्रिशिएट अगेंस्ट द येन जो अभी आपने बात की देन इट स्टार्टेड एप्रिसिएशन फिर वो बढ़ा है उससे ऑनवर्ड सिमिलर पिक्चर इमर्ज अगेंस्ट द अदर कंट्रीज ऐसे ही कुछ बाकी कंट्रीज के साथ है तो अभी हम ये लेक्चर यहाँ तक रखते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है इधर से स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह तो ओके अल्लाह हाफिज़ टेक केयर